नमस्कार दर्शकों, हमारी खास पेशकश भविष्यवाणी 2023 में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम नए साल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, यानी कि नए साल 2023 का आगाज हो रहा है। नया साल यानी कि 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, नए साल में कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहने वाला है आपका दाम्पत्य जीवन, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और कैसे रहने वाली आपकी शिक्षा, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य इंदु प्रकाश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद हो। तो चलिए, अब हम देर नहीं करते क्योंकि साल भर का जो पूरा लेखा जोखा है आज आचार्य जी हमें बताएंगे। राशिफल पर भी चर्चा की जाएगी आज। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेष राशि का जो नया साल है वो कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, जरूर बिल्कुल, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेष राशि वालों की ग्रह चाल कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक और गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वो सबके लिए रहेंगे, आपके लिए भी रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके 12 में और केतु आपके जन्म पत्रिका के 6 स्थान पर आएगा और शाम 4:37 पर प्रवेश करेंगे। चूँकि 12वां स्थान आपकी जन्म पत्रिका में व्यय और सुख शैया सुख से संबंध रखता है और 6ठा स्थान रोग शत्रु और मित्र से संबंध रखता है, इसलिए हम बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है ग्रहों के इस आलोक में। तो सबसे पहले बात मेष राशि वालों के करियर की। इस साल आपका करियर प्रगतिशील रहने वाला है। नौकरी कर रहे युवाओं को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी मेहनत और सकारात्मक तौर तरीकों से अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उभर जाएंगे। इस साल आपको प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, आगे के लिए आप प्रयास करते रहें। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। साल 2023 में सितारों की चाल आपके लिए अनुकूल रहेगी। ये साल आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर आएगा जिसका फायदा आप आसानी से उठा लेंगे और जिंदगी का पूरा पूरा आनंद लेंगे। और आप जो भी काम करेंगे उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आमदनी के कुछ नए सोर्सेस को खोजने की कोशिश भी करेंगे जिसमें समय रहते आप सफल भी जरूर होंगे। अपनी बचत से साल के अंत तक आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, यानी यह साल आपके लिए तरक्की लेकर आया है। और अब बात करेंगे मेष राशि वालों के दाम्पत्य संबंधों की। ये वर्ष आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी दोस्त की पार्टी अटेंड करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। इस वर्ष में नए रिश्ते की शुरुआत होगी। अविवाहित लोगों को अच्छा सा मैरिज प्रपोजल मिलेगा जिसे पाकर आप और आपका परिवार खुश होंगे। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। ये वर्ष स्वास्थ्य के लिए मिला जुला रहेगा लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर और सर्दी जैसी छोटी मोटी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जल्द ही सब ठीक भी हो जाएगा। इस वर्ष आप बाहर का खाना कम करें, रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटीज़ करें जैसे कि रनिंग, स्ट्रेचिंग, खेल कूद में पार्टिसिपेट करें। और अब बात करेंगे अगर आप मेष राशि के हैं और स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन की क्या स्थिति है। इस वर्ष छात्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कॉलेज कर रहे छात्रों को अपनी फाइनल परीक्षा का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी यानी किसी मल्टीनेशनल कंपनी से अच्छी जॉब के ऑफर्स मिलेंगे। तो मेष राशि वालों, कुल मिलाकर नए साल में आपका करियर ठीक ठाक रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से साल 2023 आपके लिए अच्छा है। इस साल में आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए मिला जुला रहेगा और छात्रों के लिए वर्ष 2023 कोई बड़ी खुशखबरी दिलाने वाला है। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है, इंडिया टीवी की प्रार्थना है। और अब अगली राशि की हम बात कर लेते हैं आचार्य जी। अब जान लेते हैं कि वृष राशि वालों के लिए ये नया साल क्या सौगात लेकर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे कि वृष राशि वालों की ग्रह चाल क्या है।
तो वृष राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके करियर के मालिक हैं, 17 जून से 4 नवंबर तक, और गुरुदेव जो आपके अकारक घरों के मालिक हैं, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके 11वें स्थान पर और केतु आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर शाम 4:37 पर गोचर करेंगे। चूंकि 11वां स्थान आपकी जन्मपत्रिका में आए और कामना पूर्ति से संबंध रखता है और 5वां स्थान संतान, विवेक, विद्या, रोमांस से संबंध रखता है, इसलिए ग्रहों के इस आलोक में हम बात करेंगे कि वृष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे वृष राशि वालों के करियर की। ये वर्ष आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप किसी सरकारी क्षेत्र जैसे नेवी, मीडिया क्षेत्र में जॉब करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये वर्ष बेहतरीन रहने वाला है। सीनियर्स काम में आपकी पूरी सहायता करेंगे। अपने काम के प्रति बॉस को इम्प्रेस, अपने काम से आप बॉस को इम्प्रेस करेंगे, जिससे बॉस आपकी पदोन्नति करेंगे, करने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन इस साल आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। लोग आपकी तरक्की से नाखुश भी होंगे। इन सब को किनारे कर आपको अपने करियर पर फोकस करना होगा, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। तो वृष राशि वालों, इस साल आपको धन के मामले में पहले से रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। जो भी करना है एक प्लानिंग बना के करना है। नए कारोबार की शुरुआत करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लें तो फायदा होगा। सोच समझ कर लिया गया निर्णय आपको जरूर लाभ दिलाएगा। साल के मध्य में आमदनी के नए सोर्सेज मिलेंगे। साल 2023 में आपके दाम्पत्य रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। दोनों के बीच तालमेल से रिश्तों में मिठास पड़ेगी। इस दौरान आप थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। रिश्तों में अपने जज्बातों को काबू में रखने की जरूरत है। बाकी साल का अधिकतर समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। पहले से चली आ रही अनबन भी अगर कोई है तो दूर हो जाएगी। जीवन में बच्चों के आने से घर की खुशियां बढ़ेंगी और पारिवारिक माहौल भी बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपके रिश्ते को नए आयाम मिलेंगे। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में यह साल आपके लिए फ्लक्चुएटिंग रहेगा, थोड़ा मिला जुला रहेगा। आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे घुटनों में दर्द, जैसे पेट में दर्द, ये इस सबसे सावधान रहने की जरूरत है। इस वर्ष आप ज़्यादा लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। फास्ट फूड कम करिए। शिक्षा के लिहाज से ये साल ठीक रहने वाला है। उच्च शिक्षा पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को इस साल सुधारने की आवश्यकता है। किसी चीज़ को याद रखने के लिए अपने पास हर वक्त एक डायरी रखें और उसमें अपने रोज की इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े विद्यार्थियों को और मेहनत करने की जरूरत है। अब बात करेंगे व्हाट इज द कंक्लूजन। तो वृष राशि वालों, कुल मिलाकर नया साल आपके लिए शानदार रहने वाला है। लेकिन पैसों के मामले में पहले से रणनीति बनाकर चलना, पूरी प्लानिंग करके रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं आचार्य जी। मिथुन राशि वालों के लिए साल क्या कुछ मिलने वाला है, कैसे रहेगा उनका जीवन? बिल्कुल, तीसरी राशि भचक्र की तीसरी राशि, पहली मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन। मिथुन राशि वालों के सबसे पहले ग्रह चाल पे ध्यान दीजिए। इस वर्ष शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक और गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री। 30 अक्टूबर से राहु 10वें और केतु आपकी जन्मपत्रिका के 4थे स्थान पर शाम 4:37 पर, ये तो सबके लिए कॉमन है। चूंकि 10वां स्थान आपकी जन्मपत्रिका में राज्य, करियर और पिता से संबंध रखता है और 4था स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है, इसलिए ध्यान रखिए केतु जहां बैठता है उससे काटता है अगर अकारक हो और राहु दूर करता है अगर अकारक हो। अगर कारक हो तो राहु तो राज्य कारक है, राज्य का ही कारक है राहु। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह साल कैसे रहने वाला है? सबसे पहले बात करियर की। करियर की दृष्टि से यह साल उम्मीद से उतना बढ़िया नहीं होगा अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु खराब है तो। इस साल आपका ध्यान कुछ भटक सकता है। साहस और ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार के जरिए आप इन कठिन परिस्थितियों से निश्चय ही बाहर आ सकते हैं। इस वर्ष आपके
आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी, आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बड़ों से या उस विषय के विशेषज्ञों की उन सब की राय ले लें, या फिर अपने बिजनेस के कलीग्स की राय लीजिए। पैसों के लेन देन से थोड़ा सतर्क रहें, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस वर्ष जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं उन्हें काफ़ी फायदा होगा। और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य संबंधों की। इस साल आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। समाज में आप दोनों का मान सम्मान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको कुछ दिनों के लिए जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन ये दूरियां आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगी, मधुर बनाएंगी, स्नेह को बढ़ाएंगी। मुश्किल परिस्थितियों में जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लवमेट्स भी ये साल एक दूसरे के साथ रोमांटिक पलों के साथ गुजारेंगे। आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बेहद खुशनुमा पल लेकर आएगा। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की। तो मिथुन राशि वालों, इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके गुस्से में वृद्धि होगी, विटामिन डी अचानक ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर, सिरदर्द जैसी समस्याओं से परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए साल किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। साल 2023 में आपको हर तरह से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। साल के अंतिम महीनों में सोशल स्टडीज से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप पूरा कर सकते हैं, जिसका फायदा आपके साथ साथ आपके जूनियर्स को भी मिलेगा। जो छात्र घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नए वर्ष में आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहेगी, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है और नए साल में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं और आचार्य जी से जानते हैं कि जो अगली राशि है यानी कि कर्क राशि, तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है, शिक्षा, करियर, सेहत कैसा रहने वाला है आचार्य जी? बिल्कुल, कर्क राशि वालों को सभी कुछ बताएंगे। सबसे पहले इस साल की ग्रह चाल की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव कुंभ राशि में हैं, तो कर्क से कहाँ हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि अष्टम भाव में शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक बकरी रहेंगे। और गुरुदेव कहाँ हैं? उसके जस्ट आगे भाग्य स्थान पर। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, लेकिन गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बकरी रहेगा, यानी जो ग्रह आपका बड़ा मजबूत ग्रह है वो आपका वक्री रहेगा, तो इसका ध्यान रखिए। और राहु नवे और केतु आपके जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। राहु भाग्य स्थान पर गोचर करेगा और जन्मपत्रिका के पराक्रम स्थान पर केतु का गोचर होगा। इन तमाम चीज़ों का 30 अक्टूबर को शाम 4:37 पर राहु केतु गोचर करेंगे। चूँकि नवा स्थान आपके जन्मपत्रिका में भाग्य से संबंध रखता है और तीसरा स्थान पराक्रम, भाई बहन और यश से संबंध रखता है, इसलिए हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रिजल्ट। सबसे पहले बात कर्क राशि वालों के करियर की। इस साल आपका करियर ठीक रहने वाला है। आप हाई कोर्ट, आयरन से रिलेटेड वर्क जैसे क्षेत्रों से जुड़ेंगे, जैसे आप न्याय जैसे क्षेत्र से जुड़ेंगे, आप आयरन लोहे जैसे क्षेत्र से जुड़ेंगे, इसके अलावा किसी खेलकूद में आप हिस्सा लेंगे। आपको किसी अच्छी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपको अच्छी पोस्ट और अच्छा वेतन भी मिलेगा। जो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने वाली है। इस साल व्यापार में आपको काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छी मीटिंग अटेंड करेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। इस साल आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। साल 2023 के अंत तक आपका घर लेने का सपना भी पूरा हो सकता है, यानी आप अपना घर खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है। अब क्या बात, और अब बात करते हैं दाम्पत्य संबंधों की। साल 2023 विवाहित लोगों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस बीच जीवन साथी की गतिविधियों से को लेकर आपको कुछ पीड़ा हो सकती है, लेकिन उस पर अधिक विचार करने से अच्छा है कि आप इस मुद्दे पर खुलकर आमने सामने बात करें, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की दिमागी परेशानी, व्यर्थ की गलतफहमी ना हो। साल के शुरुआत में वैवाहिक जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएंगी। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। और अब बात करेंगे सेहत की, तो सेहत के लिहाज से ये साल आपके लिए थोड़ा अलार्मिंग है। साल की शुरुआत के चार महीने सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है। जरूरत से अधिक उठाने रखने वाले काम करने से बचें, वरन इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अपने वजन को भी कंट्रोल में रखें, सेहत के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखें। और अब बात करेंगे आपकी शिक्षा की। वर्ष की शुरुआत में आपका ध्यान अपने लक्ष्य को पाने में रहेगा। आपको कोई पार्ट टाइम जॉब भी ऑफर हो सकता है, जिसे पाकर आप अपने फ्यूचर में उसका सदुपयोग करेंगे। आपकी पढ़ाई से आपके अध्यापक खुश रहेंगे, जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मददगार साबित होंगे। आपका सकारात्मक व्यवहार आपको अपने लक्ष्य को पाने में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। जो छात्र मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो अपने लक्ष्य को पाने में कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, जिनका परिणाम उन्हें अच्छा मिलेगा। देखो, यहाँ एक बात कह दें, मंगल जो चिकित्सा औषधि इत्यादि की देवता है, कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो जो कर्क राशि के स्टूडेंट्स मेडिकल से जुड़े हैं, उनको ये थोड़ा एडिशनल संघर्ष इस सिलसिले में हमेशा करना पड़ेगा, इस साल भी करना पड़ेगा। लेकिन और भी तो चीज़ें हैं, और भी अच्छे गुड फैक्टर्स हैं। एक गड़बड़ कर रहा है, अब तो नौ ग्रह है ना, बाकी तो सपोर्ट कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए 2023 क्या खास लेकर आया है। तो आचार्य जी, अब सिंह राशि की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिंह राशि की बात करेंगे। हर तरह की, हर बार की तरह सिंह राशि भी इस साल की सबसे पहले ग्रह चाल। शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक कहाँ वक्री होंगे? देखो, आपकी राशि सिंह है, 11 कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेवेंथ हाउस जीवन साथी का होता है। तो आपका सिंह राशि वालों, जीवन साथी के स्थान पर ये 4 नवंबर से ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और गुरु महाराज उसके जस्ट अगले, यानी आयु स्थान पर 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। और राहु 30 अक्टूबर से एर्थ और केतु आपके जलपत्रिका के दूसरे स्थान पर शाम 4:37 पर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के करियर की। करियर की दृष्टि से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। ऑफिस में सभी से अपनी तालमेल अच्छी बनी रहेगी, सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। इस वर्ष पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। अपने ऊपर काम के बोझ को अधिक हावी न होने दें। आपके समझदारी पूर्वक किए गए फैसले आपको सुखद परिणाम ही देंगे। नया व्यापार शुरू करने का प्लान बनाएंगे, जिसमें अपनों का सहयोग मिलेगा। और अब बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। आपकी आर्थिक स्थिति इस साल अच्छी रहेगी, आपको धन के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अपने बिजनेस में फायदा मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस में चांदी ही चांदी होगी। बिजनेसमैन को कोई बड़ी डील मिलेगी, जिसे पाकर वो काफी खुश होंगे। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका रिजल्ट उन्हें बाद में अच्छा मिलेगा। इससे अच्छा पद मिलेगा, अच्छी इनकम मिलेगी, ताकि आप अपनी सेविंग्स जो करें वो फ्यूचर में काम आए। और अब बात करेंगे दाम्पत्य संबंध की। इस राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। आप दोनों के बीच जो पुरानी अनबन चल रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी। आप दोनों के बीच गलतफहमियां दूर होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे। और सिंह राशि वालों, बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। सेहत के लिहाज से ये साल शानदार रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। काम का प्रेशर अधिक रहने की वजह से थोड़ा कभी कभी उलझन रहेगी, लेकिन काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखें। साथ ही इस साल अपनी निजी और बिजनेस लाइफ में तालमेल बिठाकर चलेंगे तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानी हो सकती है इस राशि के जातकों को। शिक्षा में थोड़ी रुकावट आ सकती है। इस वर्ष के शुरुआती महीने छात्रों को अपनी पढ़ाई को लेकर कड़ी मेहनत करनी होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के छात्रों को मनचाहा परिणाम मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा और मेहनत करनी होगी। अब आगे की बात कर लेते हैं आचार्य जी, कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है? पहले बात ग्रह चाल की कि कन्या राशि की ग्रह चाल क्या होगी। तो कन्या राशि के छठे घर में शनि देव वक्री होंगे। शनि पंचमेश भी हैं कन्या राशि में, कष्ठेश भी हैं और वक्री होंगे वर्ष 2023 में 17 जून से 4 नवंबर तक।
और गुरु वक्री होंगे 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, और 30 अक्टूबर को राहु 7वें स्थान पर और केतु आपके जन्म पत्रिका के लग्न स्थान पर शाम 4:37 पर प्रवेश करेंगे। चूंकि 7वां स्थान आपकी जन्म पत्रिका में जीवन साथी से संबंध रखता है और लग्न स्थान शरीर और मुख से संबंध रखता है, कन्या राशि वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले बात कन्या राशि वाले जातकों के करियर की। करियर के मामले में कोई बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, आपको किसी सरकारी क्षेत्र में कोई अच्छी जॉब मिलेगी या कोई बड़ा पद मिलेगा जिसे पाकर आप और आपका परिवार बेहद खुश होंगे। ये वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। लघु उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए धन लाभ के संयोग बन रहे हैं। अगर आप इस बीच किसी बड़े उद्योग से जुड़ना चाहते हैं तो जांच परख करके ही करें। साथ ही आप इस साल फिजूल खर्च करने से भी बचें और समय समय पर अपने खर्चे और जमा पूंजी का हिसाब किताब करते रहें। हालांकि प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को पैसा कमाने के लिए इस वर्ष थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य संबंधों की, तो दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहे लोगों को इस साल जीवन साथी के साथ समय बिताने का ढेर सा मौका मिलेगा। आपको संतान की सुख की प्राप्ति होगी जिसे पाकर आपके प्यार में मिठास आएगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। ये वर्ष नए विवाहित जोड़ों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के साथ मीठी नोकझोंक होगी जिससे दोनों के बीच प्यार और मिठास बढ़ेगा। लवमेट्स के लिए भी यह साल बेहतरीन रहने वाला है, रिश्ते में और मजबूती आएगी। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। ये वर्ष आपको कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द आदि जैसी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। जिन लोगों को शुगर संबंधी प्रॉब्लम है उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करें, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी इस साल छात्रों को कई सुनहरे मौके मिलेंगे, लेकिन उन मौकों को भुना पाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई को गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर आप उच्च संस्थान में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही कर लें। अपनी शिक्षा को लेकर आप जो भी फैसला लें उसमें बड़ों का सहयोग जरूर लें। साल के बीच में छुट्टियों के दौरान किसी पार्ट टाइम कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। और आगे हम आचार्य जी से जानेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु के साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में आचार्य जी हमें ये भी बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपकी शिक्षा और कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए। प्योर हनी की पहचान सिर्फ टेस्ट से नहीं, टेस्ट से होती है। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर देता है आपकी सेहत को। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। साल के स्वागत का उत्साह आपके लिए पूरा साल बना रहे। Here is wishing you Merry Christmas and a very Happy New Year. Ashpra, प्रथा भी प्रगति। टीवी आपकी आवाज। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हेल्थ पर नया अपडेट आ गया है। पंत के घुटने, कलाई, अंगूठे समेत 5 जगहों पर चोट है। जरूरत पड़ी तो पंत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भी लाया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि पंत की हालत खतरे से बाहर है। एक चमत्कार की बदौलत ही पंत ने मौत को मात दी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से कई वीडियोज सामने आए हैं जिनमें इतने भीषण हादसे के बाद भी ऋषभ पंत की बड़े ही आराम से सड़क किनारे खड़े हैं, पूरे होशो आवास में हैं। उनके सिर से खून जरूर बह रहा था लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है।
लेकिन सवाल यह है कि वो अब क्रिकेटिंग फील्ड पर कब वापसी करेंगे, क्या है उनकी हेल्थ का पूरा अपडेट, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस भयंकर हादसे में ऋषभ पंत की जान बाल बाल बची है। अपडेट और गुड न्यूज यह है कि ऋषभ की हालत खतरे से बाहर है। देहरादून के एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। सिर, हाथ, कलाई, पैर के अंगूठे और पीठ में चोट है। चोटों की स्थिति को देखने के लिए एमआरआई स्कैन हुआ है और हड्डियों के डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन उनका इलाज कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि जो ऋषभ पंत चार दिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे चौके छक्के लगा रहे थे, उनका आज इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, इसका भी आपको पूरी डिटेल में जवाब देते हैं। 26 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच खत्म हुआ जिसे भारत ने जीता। 28 दिसंबर को ऋषभ पंत दुबई गए जहां वो महेंद्र सिंह धोनी से मिले। दुबई से ऋषभ पंत कल रात यानी 29 दिसंबर को दिल्ली लौटे। दिल्ली में उन्होंने अपने दोस्त के घर से अपनी मर्सिडीज कार ली और आज सुबह 3 बजे के करीब रुड़की के लिए रवाना हुए। वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहते थे जो रुड़की में ही रह रही थी। माँ के साथ न्यू ईयर मनाने के बाद पंत को वापस दिल्ली आना था जहाँ नए साल में उन्हें दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलनी थी। ये लंबा सफर तो कर ही रहे थे क्योंकि काफी समय से ट्रेवल ही कर रहे हैं और दुबई से आए थे और आते ही जो है माता जी को सरप्राइज देने, क्योंकि कई दिन से लगातार मेरी भी बात हो रही थी और माताजी की भी हो रही थी कि भाई ठीक है आ जाओ एक चक्कर लगा जाओ घर या हम आ जाते हैं कुछ, लेकिन अब अचानक से ये नहीं पता था कि ये दुबई से आते ही जो है एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ चल देंगे। अब वो सरप्राइज जो है कभी कभी क्या होता है सरप्राइज भारी पड़ जाते हैं। ऋषभ पंत को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले घरेलू सीरीज में वनडे और T20 दोनों से आराम दिया गया था। ये सीरीज 3 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। यही नहीं, बांग्लादेश दौरे में ऋषभ पंत को वनडे सीरीज से ठीक एक दिन पहले आराम दे दिया गया था। हालांकि उन्हें 2 टेस्ट मैचेस में खिलाया गया था जिसमें उन्होंने 49.33 की औसत से 148 रन बनाए थे। तो अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए ऋषभ पंत रुड़की के लिए रवाना हुए, लेकिन अपने घर पहुंचने के ठीक 10 किलोमीटर पहले उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये CCTV तस्वीरें बता रही हैं कि ऋषभ पंत की कार का कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब यह हादसा हुआ तो कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर बताई जा रही है। कार पहले एक गड्ढे से टकराई, फिर उछलकर एक डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे एक पोल से जा टकराई। कार ने इस दौरान हवा में 3 से 4 बार पलटी खाई। ऐसे ही मैं गुरुकुल नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचने वाला था 500 मीटर पहले। मैंने दूर से ही 300 मीटर देख लिया था एक गाड़ी अनियंत्रित होकर दिल्ली साइड से डिवाइडर से टकराने वाली है और वो टकराई, टकराते ही वो गाड़ी से पलटा लिया हमारी साइड में आगे लाइन में। जब देखे कि ये तो बिल्कुल बस से बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी, इसमें तो कोई नहीं बचा सकता, हम तो भगवान के भरोसे हैं बस मरेंगे, क्योंकि मेरे पीछे एक लेडीज बैठी थी सोनीपत साइड की, वो भी चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, बस में हंगामा मच गया। मैंने तुरंत थोड़ी ही कटाई करी ड्राइवर साइड में, थोड़ी सी भगवान की दास से थोड़ी ही वो कनेक्टर साइड में चली गई गाड़ी, सीटी होकर आगे वो डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर से टकराते वो गाड़ी घूम गई, पीछा उसका दिल्ली साइड में हो गया। ये हरियाणा रोडवेज के बस के ड्राइवर सुशील कुमार हैं जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई है। सुशील कुमार, उनके कंडक्टर और बाकी सवारियों ने ऋषभ पंत को बचाया। तो मैं तुरंत मैंने गाड़ी के बस के ब्रेक लगाए, मैं कूदा खिड़की से कूदा, मैंने देखा था है कि शटर लग रही है उसके, मैंने पकड़ा उसको, इस साइड से मेरा कनेक्टर आ गया, हमने दोनों ने उठा लिटा दिया। वाह भाई ये तो बिल्कुल खत्म है, डैमेज है। मैंने कहा अंदर देखूं गाड़ी के कोई पता लेडीज या बुजुर्ग तो नहीं है इसके अंदर, तो देख रहा था मैं, जाग रहा था क्योंकि अंधेरे का टाइम था, वहां कोई लाइट ही नहीं थी। तो जी मैंने वहां दूसरे तरफ घूमा था तो तभी विश्व पंथ जी ने क्या करा, पलटी ली थोड़ा टेढ़ा, मखा ये तो जीवित है। मैं बोला भाई साहब ठीक हो, बोला हाँ ठीक, मखा गाड़ी के अंदर है कोई कुछ और है, बोला नहीं मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था और कोई नहीं है, मखा ध्यान से देख ले। फिर मैं बात फिर कहा मखा कभी ये झूठ बोल रहा हो तो इस बात का मेरे, तो मैंने देखा उसको बिठाया, बोला ना मैं अकेला हूँ। उसने जब बताया मेरे को भाई, मेरे कनेक्टर ने पूछा कौन हो, बोला मैं विश्व पंत हूँ, क्रिकेटर हूँ भारतीय टीम का,
तब हमने क्योंकि एक हाथ में मैं फोन पुलिस पे 112 नंबर पे कॉल कर रहा, एक साइड में मेरा कनेक्टर एम्बुलेंस को फोन कर रहा, एक साइड में हमें इस पर हाईवे वाले को फोन कर रहा। विषम पंत अपनी मम्मी का नंबर बताया था उस टाइम, मैं उस टाइम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश भविष्यवाणी 2023 में। आप देख रहे हैं और आचार्य जी से जान भी रहे हैं कि आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी से अब जान लेते हैं कि तुला राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा। आचार्य जी, बिल्कुल पहले की तरह इस बार भी बात तुला राशि वालों की ग्रहचाल की। तुला राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक और फिर गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, बकरी राहु अक्टूबर से 6 और केतु भजन पत्रिका के 12वें स्थान पर शैया सुख को भंग करता हुआ और शाम 4:37 पर प्रवेश करेंगे। चूंकि 6 स्थान आपकी जन पत्रिका में रोग, शत्रु और मित्र से संबंध रखता है और 12वां स्थान व्यय और शैया सुख से, इसलिए इस बार हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। और अब बात तुला राशि वालों के करियर की। इस राशि के जातकों का ये वर्ष मिला जुला रहने वाला है। इस वर्ष में नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, साल के मध्य तक आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को अच्छे कामों की वजह से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे जिससे आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस समय आप अपने काम में कुछ नए विचार लाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया ही आपको अपने करियर में बेहतरी दिलाएगा। आपके सगे संबंधी आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। और अब बात फाइनेंशियल, नए साल में आपके आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। वर्क प्लेस और बिजनेस से जुड़े मामलों में सोच विचार कर ही फैसला लेना चाहिए। पैसों से रिलेटेड सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो मनपसंद जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। और अब बात तुला राशि के जातकों के दाम्पत्य संबंधों की। साल की शुरुआत दाम्पत्य संबंधों के लिए बेहतर साबित होगी, लेकिन कुछ महीने बीतते बीतते आर्थिक समस्याओं की वजह से आपके रिश्ते में कुछ समय के लिए टेंशन हो सकता है। छोटी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है, गलतफहमियों के से शक की स्थिति पैदा हो सकती है। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। इस नए साल में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत से ज़्यादा काम आपकी सेहत को गड़बड़ा सकता है, पेट की दिक्कतें आएंगी, आपका वजन बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो फूड हैबिट्स में चेंज करना है वो चेंज करिए। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या का आपको उपचार किसी अच्छे डॉक्टर से कराने का मौका मिलेगा। और अगर शिक्षा की बात करें तो इस साल पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए अपने से बड़ों का सहयोग लेने से कतई मत हिचकिए। अपना काम बनाने के लिए सबसे बात करके चलना पड़ता है। इस साल प्रतियोगी परीक्षाओं में अटेम्प्ट जरूर करें, किस्मत ने चाहा तो सफलता भी जरूर मिलेगी। बड़ों के सहयोग और अपनी मेहनत से परीक्षा में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तुला राशि वालों का वर्ष 2023 करियर के लिए मिला जुला, इस आर्थिक स्थिति ठीक ठाक, बस ठीक ठाक। और साल की शुरुआत छोड़कर दाम्पत्य रिश्तों में थोड़ी नोकझोंक, वहीं इस राशि वाले लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। और विद्यार्थियों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों को सफलता पाने का योग है। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के। पहले बात ग्रह चाल की। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री और फिर 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री, 30 अक्टूबर से राहु 5वें और केतु 11वें स्थान पर। और चूंकि 5वां स्थान आपके संतान का है, विद्या का है, विवेक का है, रोमांस से संबंध रखता है और 11वें स्थान पर आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध है, इसलिए हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल यूनिफाइड ढंग से कैसा होगा। सबसे पहले बात करियर की। करियर की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप अगर लेखक हैं, बिजनेस के सेक्टर में हैं, फूड सेक्टर जैसे क्षेत्रों में हैं, अपना हाथ आजमाएंगे, आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर, फोटोग्राफी जैसे सेक्टर्स में भी एक्सेल कर सकते हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हैं तो उनको फायदा दिखाई दे रहा है। इस साल फाइनेंशियल स्थिति बेटर है, थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा और आप धन के मामले में ख्याली पुलाव भी पकाएंगे जो आपको बाद में परेशान कर सकते हैं, इसलिए कम सोचें और काम की तरफ अधिक ध्यान रखने की कोशिश करें। बचत के लिए आप कारोबार में कुछ बदलाव करने का विचार बनाएंगे। अगर बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने की स्थिति बने तो उस काम के लिए पहले
पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें और बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। आगे चलते हैं और अब बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के दाम्पत्य संबंध कैसे होंगे। इस साल आपके दाम्पत्य संबंध सामान्य रहेंगे। लवमेट्स को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और अपने लवमेट से बात करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतें। कोई भी निगेटिव बात कहने से या गलतफहमी का शिकार होने से खुद बचें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। इस साल अपने दाम्पत्य संबंध के तनाव से छुटकारा पाने के लिए अपने रिश्तों में थोड़ी सी ढील दीजिए, जिससे आप उनकी बातों को समझ पाएं और आपके रिश्तों में परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। और अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य वर्ष है, आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अगर आपके जीवन संगिनी गर्भवती हैं तो आपको हमेशा और कॉन्टिन्यूस चेकअप इस साल कराना चाहिए, क्योंकि शनि राहु और केतु का जो मूवमेंट है, राहु केतु का खासतौर से, अगर प्रेगनेंसी है तो ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें और अपने जिम ट्रेनर की सलाह लें। साथ ही जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा प्रसन्नतापूर्ण हंसी मजाक के साथ समय गुजारें तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और अब बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन की दृष्टि से ईयर अच्छा है, पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा। आप जिस विषय में हाथ डालेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राहु ज्ञान का कारक है और आपके पढ़ाई के स्थान पर गोचर कर रहा है। आपको उच्च शिक्षा पाने की जरा सी मेहनत की जरूरत है, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस साल जो लोग इंटरव्यू या किसी नए बिजनेस की मीटिंग की अटेंड करने जा रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा का इस वर्ष परिणाम बेहतर मिलेगा और कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन हल्का सा, वैवाहिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य और स्टूडेंट्स के लिए साल बेहतर साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि तुला और वृश्चिक राशि के बाद अब आप धनुराशि की बात करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, तो देखिए वृश्चिक राशि और तुला राशि की चर्चा हमने कर ली, उनके लिए नया साल कैसा रहेगा इसका पूरा हाल भी आपने जाना। और अब आगे बढ़ते हुए हम चर्चा कर लेते हैं धनु राशि वालों की भविष्य की, कि उनके लिए ये नया साल कैसा रहेगा। आचार्य जी, जी अब मैं बताऊंगा कि धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल। शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री और गुरुदेव 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री, 30 अक्टूबर शाम 4 बजे के बाद राहु चौथे और केतु 10वें। करियर में चूंकि चौथा साल आपकी जनपत्रिका में, चौथा स्थान आपकी जनपत्रिका में माता भूमि भवन वाहन से संबंध रखता है और 10वां स्थान राज्य करियर और शिक्षा से संबंध, पिता से संबंध रखता है, इसलिए हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करिए कि ये वर्ष आपके लिए सामान्य से अबव रहने वाला है। देखो करियर में लॉटरी भी लग सकती है, आप किसी अच्छी लाइन जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस या सेल्स वगैरह में काम करेंगे, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, बड़ा फायदा होगा। किसी अच्छे सरकारी क्षेत्र जैसे मीडिया लाइन या किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क से जुड़ेंगे, अप्रत्याशित रूप से सफल होगा। धनुराशि के जो लोग मीडिया में हैं उनको बहुत सफलता प्राप्त होगी करियर में। आपके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आपको नजर आएंगी लेकिन सब संभल जाएंगी। इस वर्ष करियर में अचानक कोई बड़ी सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर है, थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कारोबार से संबंधित, आपके धन से संबंधित, आप बचत के लिए कारोबार में कुछ बदलाव करने का विचार करेंगे। यदि आपके बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने की स्थिति बने तो उस काम के लिए करने के पहले उसकी पूरी तरह से ठोंक बजाकर प्लान को चेक कर लीजिए, इसी में भलाई है। इस वर्ष के अंत तक आपको आमदनी के कई नए सोर्सेज मिल जाएंगे। और अब बात करेंगे दाम्पत्य संबंधों की, तो जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव नजर आता है लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। शक की स्थिति को दूर करने के लिए ईमानदारी बनाए रखना आपके लिए अच्छा होगा। साल के आखिर में आपके घर खुशियां जरूर दस्तक देंगी, यानी आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन मनचाहा वर या वधु पाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जीवन साथी को अचानक सफलता मिलेगी। और अब बात सेहत की। सेहत के लिहाज से आप खुद को एकदम फिट एंड फाइन महसूस करेंगे। आप अपने कारोबार की परेशानियों से चिंता मुक्त होंगे और बाकी छोटी मोटी जो परेशानियाँ हैं उनसे भी आप जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे। यदि आप अपने पिछले वर्ष में किसी कारण से किसी तरह के दर्द से परेशान थे तो इस साल आप दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। तो कैसा रहेगा धनु राशि वालों का ये हाल, शिक्षा का हाल ये भी जान लेते हैं।
छात्रों का मन पढ़ाई में अपने आप लगेगा, उनके मन में पढ़ाई करने की जिज्ञासा जागृत होगी, आपकी शिक्षा से रिलेटेड कोई मनोकामना है तो वो भी पूरी होगी। इस वर्ष में जिन छात्रों का परिणाम आने वाला है वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, शिक्षा से जुड़े छात्रों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिसे पाकर वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इस वर्ष आपको कई नए सुनहरे मौके मिलेंगे और कुल मिलाकर धनुराशि वालों के लिए 2023 वर्ष सामान्य से बेहतर है। नए साल में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन में कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव, जल्दी ही सब ठीक, सेहत फिट एंड फाइन। मकर राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे और गुरुदेव 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, और 30 अक्टूबर को राहु तीसरे घर में प्रवेश करेगा और केतु आपके नवें यानी भाग्य स्थान पर प्रवेश करेगा शाम 4:37 पे। चूंकि तीसरा स्थान भाई बहन पराक्रम और यश से हाउ यू आर प्रोजेक्टेड इन दिस सोसाइटी, और नवा स्थान भाग्य से संबंध रखता है, इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसा रहने वाला है साल। और पहले सबसे पहले बात आती है करियर की, तो इस साल आपका करियर कुछ धीमी गति से चल सकता है। वर्ष की शुरुआत में बार बार दिशा बदलने से आपका कार्य स्थायी रूप से पूरा होने में दिक्कत आएगी, आप थोड़ा परेशान भी होंगे, आपके बॉस आपका किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की बात कर सकते हैं। जो युवा जॉब कर रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें, साथ ही अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे मकर राशि की आर्थिक स्थिति की। 2023 में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में तरक्की सुनिश्चित होने से आपको धन लाभ होगा, साथ ही पैतृक संपत्ति का भी पूरा लाभ आपको मिलेगा। साल के अंत तक आपके पास बचत के रूप में एक अच्छी खासी आमदनी होगी। दाम्पत्य संबंधों में जॉब या व्यापार के सिलसिले में किसी कारण थोड़ी दूरी बनी रहेगी, इसके बावजूद आप दोनों के बीच तालमेल रहेगा। लवमेट्स के लिए वर्ष 2023 काफी शानदार रहने वाला है, अपने रिश्ते की बात घर पर बताएंगे, घर वाले आपके रिश्ते को मंजूरी भी दे देंगे। इस वर्ष संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी हासिल होगी, साथ ही घर की किसी कन्या को सरकारी नौकरी मिलने के योग भी बने हुए हैं। और अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल मिला जुला है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, खास तौर से अप्रैल के महीने में विशेष सफलता की आवश्यकता है, लापरवाही नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए काम करने के साथ साथ आपको आराम की भी जरूरत है, अपने खान पान का ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जूस और स्वस्थ रहने की तमाम सामग्री। और अब बातचीत, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका अच्छा प्रदर्शन होगा, छात्रों का मन पढ़ाई की तरफ आकृष्ट रहेगा जिसकी वजह से आपको अच्छा मुकाम हासिल होगा। पढ़ाई से संबंधित उलझनों में आपका परिवार आपकी मदद करेगा जिससे आपको अधिक लाभ होगा, साथ ही आपके अंदर एक कलात्मक चीज़ों के प्रति उत्साह पैदा होगा। खेल के क्षेत्र में शिक्षा आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी, मास मीडिया कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए ये साल काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और मकर राशि वालों, इन टोटो यानी कुल मिलाकर इस साल 2023 में करियर धीमा, आर्थिक स्थिति मजबूत, जॉब और व्यापार के में सतर्कता बरतने की जरूरत, स्वास्थ्य के लिहाज से साल मिला जुला और पढ़ाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन। कुंभ राशि वालों, आपकी भी राशि के स्वामी सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके ग्रहचाल की, तो आपकी भी राशि के स्वामी शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर तक और फिर गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। 30 अक्टूबर से राहु आपकी जन्मपत्रिका के सेकंड हाउस और केतु आपके 8वें स्थान पर, ये आपको बड़ी अच्छी इंट्यूटिव पावर्स देंगे। 4:37 पर प्रवेश करेंगे, चूंकि दूसरा स्थान आपकी जन्मपत्रिका में धन और स्वभाव से संबंध रखता है और 8वां स्थान आयु और मृत्यु से संबंध रखता है, इसलिए हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। तो पहले चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के करियर की। करियर की दृष्टि से इस साल आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, शुरू के महीने आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपका कामकाज बेहतर रहेगा, आपका सकारात्मक रवैया ही आपको करियर में बेहतरी दिलाएगा। अपने करियर को लेकर आप इस साल थोड़े भावुक भी रहेंगे। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। साल 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, नौकरी पेशा युवाओं पर उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, बिजनेस के सिलसिले की योजना के तहत आपको भविष्य में लाभ मिलेगा और स्टूडेंट्स को कमाई के साधन मिलेंगे, साथ ही आपकी संपत्ति से आपको
पूरा पूरा लाभ हासिल होगा, जिसके तहत साल के मध्य तक आपके पास एक अच्छी आमदनी होगी। आपको लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, साल के अंत तक आपको अचानक धन लाभ होगा। और अब बात आपके दाम्पत्य संबंधों की। इस साल आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपका और आपके जीवन साथी का मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी हर मुश्किल में जीवन साथी आपकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही अगर आप किसी को प्यार करते हैं और उससे आप अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। लव मेट्स के लिए भी ये साल बेहतरीन रहने वाला है। पूरे साल रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की। सेहत के मामले में ये साल सामान्य रहेगा। इस वर्ष आपको गले में दर्द, सिर में दर्द, कमर में तकलीफ, पैरों में दर्द आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। ज़्यादा गुस्सा आने से भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और कार्य में दिक्कतें आएंगी। बेहतर होगा कि आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें। खान पान में तला हुआ खाना कम करें। ये तो हर एक कहता रहता है, तला खाना कम करो, थोड़ा थोड़ा खाते भी रहना चाहिए। साल के अंत तक आपको सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वाले छात्रों की, शिक्षा की। छात्रों को इस साल शुरू होते ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। विषय के चुनाव को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति दूर होगी और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं उन्हें इस साल के अंत तक जाने का अवसर मिल सकता है। अगर आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं तो कैंपस सिलेक्शन में आपको नौकरी जरूर मिलेगी। सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम देते रहें, कोशिश करने से सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात कुंभ राशि वालों, कुल मिलाकर नए वर्ष में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन सेहत के मामले में साल सामान्य रहेगा। और अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों, इस वर्ष शनिदेव 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक और गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। आप जानते हैं, इतनी देर में याद हो गया होगा, 30 अक्टूबर को शाम 4:37 पर राहु लग्न में और केतु सप्तम स्थान पर आएंगे। चूंकि राहु लग्न यानी लग्न का मतलब जन्मपत्रिका में शरीर और मुख से संबंध है, सातवां स्थान जीवन साथी से संबंध रखता है, इसलिए हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करियर की। इस साल मीन राशि के जातकों का करियर तेजी से बढ़ेगा। आपका ध्यान पूरे तरीके से काम में लगा रहेगा। काम के प्रति आपका हुनर देखने को मिलेगा। आपके सामने कई अच्छे मौके आएंगे जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा। कम मेहनत में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी कर रहे युवाओं को नौकरी में बढ़ोतरी होगी। आपको किसी अच्छी कंपनी में कई जॉब के ऑफर्स मिलेंगे। और अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। ये वर्ष आपके काम करने के तरीकों में बदलाव लाएगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस साल आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपका जितना भी कर्ज है आपके ऊपर इस साल आपका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। आपको अपने खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। और अब बात करेंगे आपके दाम्पत्य संबंधों की। तो दाम्पत्य जीवन में साल प्यार की वर्षा करने वाला है। नव विवाहितों की जोड़ी के लिए समय बड़ा ही अनुकूल है। आपके मन मुताबिक सारे काम होंगे। साल के मध्य में कुछ मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती हैं लेकिन ये स्थिति जल्द ही संभल जाएगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। साल के अंत में जीवन साथी के साथ अच्छा समय मिलेगा। अगर जीवन साथी कहीं दूर रह रहे हैं तो विभिन्न माध्यमों की मदद से आपसे जुड़े रहेंगे। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा चिंतित रहेंगे। छोटी मोटी समस्याएं जैसे सिर दर्द, घुटनों में दर्द आदि से तो लगातार परेशान हो सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक हो जाएगा। बाहर का खाना खाने से बचें। आप अपने परिवार वालों के साथ जितना हो सके उतना हंसी मजाक करें। एसिडिटी, गैस और कन्फ्यूजन से बचें। खान पान का ध्यान रखें और फ्रेश चीज़ें लें जो एसिडिटी और गैस पर कंट्रोल कर सकें। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों की शिक्षा की। अगर आप मीन राशि के हैं और स्टूडेंट हैं तो यह साल आपके लिए शानदार रहने वाला है। बैंकिंग और कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए साल 2022 फेवरेबल रहेगा। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में आपकी
अधिक मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साल के अंत में घरेलू समस्या की वजह से आप अपने लक्ष्य से कुछ भटक भी सकते हैं, इसलिए लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सही दिशा में मेहनत करें, तभी फायदा होगा और सकारात्मक परिणाम जरूर हासिल होंगे। और मीन राशि वालों, कुल मिलाकर नए साल में आपका करियर तेजी से बढ़ने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, दांपत्य जीवन में पूरे साल प्यार की वर्षा होती रहेगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सावधानी बरतिए, सब ठीक रहेगा और शिक्षा की दृष्टि से नया साल अच्छा रहने वाला है। तो नए साल में सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कितना कुछ नया है, कैसा रहेगा आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका दांपत्य जीवन, शिक्षा, सेहत, ये सब हमें आचार्य जी ने अभी बड़े विस्तार के साथ बताया। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और इस साल आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला, विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। श्री वर्चस्व, आयुष्य, आरोग्य, सभी कुछ आपको प्राप्त हो। मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, शत्रूणां बुद्धिशुद्धिश्च, मित्राणां उदयस्तव। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का वर्ष, नया साल शानदार हो, जहां प्राकृतिक रूप से स्थित हो, हमारी शुभकामनाओं से थोड़ा ऊपर आ जाए, ऐसी ही प्रभु से हमारी कामना है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।